इस बार बहुत ही शुभ योग और मुहूर्त में मनाया जा रहा है धनतेरस का पर्व। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि धनतेरस के त्योहार की सही तिथि क्या है और इस दिन कौन से उपाय करने से आपके संकट दूर होकर आप मालामाल बन सकते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। आओ सबसे पहले जान लेते हैं कि कब है धनतेरस का पर्व। इस बार 22 तारीख शनिवार को द्वादशी तिथि शाम 6:02 तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। त्रयोदशी तिथि अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को शाम 6:03 तक रहेगी। उदया तिथि के मान से 23 अक्टूबर को ही धनतेरस मनाया जाना उचित है। अब जान लेते हैं खरीदारी का इस दिन सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है। खरीदारी का सबसे अच्छा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो सुबह 11:59 से प्रारंभ होकर 12:46 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा के साथ आप खरीदारी भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं धनतेरस के 5 अचूक उपाय। पहला, पंचदेव की पूजा। धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव की, लक्ष्मी माता की, कुबेर, यम और गणेश जी की पूजा होती है। साथ ही गाय की पूजा भी करें और उसे हरा चारा खिलाएं। दूसरा, दीपदान। धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में भी दीपदान दिया जाता है, वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्य के घर आने और खाने पीने के बाद सोने के समय जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख करके नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। तीसरा, खरीदें धनिया। धनतेरस के दिन सोना खरीदने का प्रचलन है। यदि आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का बर्तन खरीदें, और यदि आप दोनों वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं तो पीली कोड़िया और धनिया खरीदें। खासकर धनिया खरीदना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। चौथा, कोड़िया। धनतेरस के दिन आप कोड़िया खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रख लें। पांचवा, काली हल्दी। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर लपेटकर स्थापित करें तथा षोडोपचार पूजा करके इसे अपने तिजोरी में रख लें। छठा, नई झाड़ू खरीदें। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीद कर दान कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी।